सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं वंदे मेट्रो के बारे में। और जैसे कि आप सभी को पता होगा कि देश के अंदर बहुत जल्दी ही हमारी जो वंदे मेट्रो है इसके ट्रायल रन होने वाले हैं। और ऐसे में दोस्तों ये समय ऐसा है कि इस समय भारतीय रेलवे सबसे ज्यादा फोकस कर रही है हमारी वंदे मेट्रो के रूट के लिए। और यहाँ पर लगातार जो नए रूट है उन पर भारतीय रेलवे सर्वे करा रही है वंदे मेट्रो को चलाने से पहले। और इस सर्वे का जो रिजल्ट है वो हमें रूट लिस्ट के रूप में देखने को मिल रहा है। और ऐसे में दोस्तों जो लगातार रूट लिस्ट है वंदे मेट्रो को लेकर वो सामने आ रहे हैं और उनको लेकर जो अपडेट है वो मैं आपसे लगातार शेयर कर रहा हूँ। और ऐसे में दोस्तों यहाँ पर जो टोटल 11 रूट है हमारी वंदे मेट्रो के लिए जो कि यहाँ पर बिल्कुल नए हैं, इनको भी यहाँ पर अप्रूवल देने का जो अपडेट है वो सामने आया है। और ये जो टोटल 11 रूट है इन पर भी हमारी जो वंदे मेट्रो है वो चलने वाली है। और इन्हीं के बारे में आज हम बात करने वाले हैं पूरा डिटेल में। ये जो पूरा रूट लिस्ट है ये मैं आपको दिखाऊंगा, इसके साथ जो प्रूफ है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। तो बने रहे वीडियो में एंड तक, बिना स्किप के देखिए इस वीडियो को। और अभी से वीडियो को लाइक कर लीजिए, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम फिलहाल बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों हमारी जो वंदे मेट्रो है वो पूरे देश के अंदर काफी बड़े लेवल पर चलने वाली है। और ऐसे में इस गाड़ी को बड़े लेवल पर चलाने के लिए जो कई रूट्स हैं, बहुत ज्यादा जो रूट्स हैं उनकी भी जरूरत पड़ने वाली है। और इसीलिए पूरे देश के अंदर जो रूट्स हैं उन पर भारतीय रेलवे सर्वे का काम करवा रही है। वहीं अगर हम बात कर लें इन 11 रूटों के बारे में, तो इनसे पहले भी जो 14 रूट्स हैं वंदे मेट्रो के लिए उनका जो अपडेट है वो मैंने आपसे शेयर किया था इस वीडियो में। और उसके बाद जो अपडेट है 11 नए रूटों का वो सामने निकल के आया है। तो दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले जान लेते हैं हमारी वंदे मेट्रो के लिए इन टोटल 11 नए रूटों के बारे में। उनके बाद इस पर लॉन्चिंग कब होने वाला है ये मैं आपको बताऊंगा आगे वीडियो में। तो दोस्तों इस रूट लिस्ट में जो हमारा सबसे पहला रूट है वंदे मेट्रो के लिए ये है देहरादून से काठगोदाम वाला। और यहाँ पर देहरादून से काठगोदाम के बीच में चेयर कार वाली वंदे भारत की जगह पर वंदे मेट्रो को भारतीय रेलवे लेकर आने वाली है, ऐसे अपडेट सामने आए हैं। वहीं अगर हम बात करें इस रूट के बारे में, तो देहरादून से काठगोदाम का जो टोटल डिस्टेंस है वो 335 किलोमीटर के आसपास है जिस पर हमारी वंदे मेट्रो चलने वाली है। और वैसे भी हमारी जो वंदे मेट्रो गाड़ियां हैं वो मैक्सिमम 300 किलोमीटर की जो दूरी है उसको तय करने के लिए चलाई जा सकती है। ऐसे में लगभग 335 किलोमीटर का दूरी होगा देहरादून से काठगोदाम का, तो इस दूरी पर भी नो डाउट हमारी वंदे मेट्रो गाड़ी चल सकती है। और इसीलिए शायद देहरादून से काठगोदाम वाले रूट को हमारी वंदे मेट्रो के लिए शॉर्टलिस्टेड किया गया है, फाइनल किया गया है। और आपको चेयर कार वाली वंदे भारत की जगह पर देहरादून से काठगोदाम के बीच में वंदे मेट्रो ट्रेन देखने को मिलेगी। बात करें ट्रेवल टाइम की, तो 335 किलोमीटर की दूरी को तय करने में हमारी ये वंदे मेट्रो को लगभग 5 घंटे का जो समय है वो लगने वाला है, जो कि एक्सपेक्टेड है। वहीं फिलहाल हम बात करें दूसरे रूट की, तो यहाँ पर हमारा अगला रूट है आगरा से वृंदावन वाला। और यहाँ पर आगरा से वृंदावन के बीच में भी वाया मथुरा होते हुए हमारी जो वंदे मेट्रो है ये चलने वाली है। बात करें डिस्टेंस के बारे में, तो आगरा से वृंदावन का जो टोटल डिस्टेंस है वाया मथुरा वो लगभग 71 किलोमीटर के आसपास है जिस पर हमारी वंदे मेट्रो गाड़ी चलने वाली है। क्योंकि आगरा से वृंदावन मथुरा वाला ये जो रूट है इस पर डेली ट्रेवलरों की संख्या काफी ज्यादा है, काफी बड़ी है। और इसलिए इस रूट पर वंदे मेट्रो को भारतीय रेलवे लेकर आएगी और ये 100% कन्फर्म हो चुका है। वहीं इस 71 किलोमीटर की दूरी को तय करने में, मतलब कि आगरा से वृंदावन पहुंचने में हमारी इस वंदे मेट्रो को 1 घंटे से भी कम समय लगने वाले हैं। फिलहाल हम बात करें तीसरे रूट की, तो हमारा तीसरा रूट हो जाता है वंदे मेट्रो के लिए दिल्ली से मेरठ वाला। और यहाँ पर दिल्ली से मेरठ के बीच में भी हमारी जो वंदे मेट्रो है ये चलने वाली है। बात करें डिस्टेंस की, तो 72 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा दिल्ली से मेरठ का। और दिल्ली से मेरठ आने जाने के लिए अभी भी आपको जो चेयर कार वाली वंदे भारत है जो कि दिल्ली से देहरादून के बीच में चलती है इसकी कनेक्टिविटी देखने को मिलता है। इसके अलावा दोस्तों दिल्ली से मेरठ के लिए डेडिकेटेड वंदे मेट्रो भी चलने वाली है जो कि 72 किलोमीटर की इस दूरी को लगभग 1 घंटे से भी कम समय में तय करने वाली है और आपको दिल्ली से मेरठ और मेरठ से दिल्ली पहुंचाने वाली है। और खासकर दिल्ली से मेरठ का जो कनेक्टिविटी है वो डेली ट्रेवलरों के लिए काफी हद तक ये गाड़ी बेहतर करने वाली है। फिलहाल हम बात करें चौथे रूट की, तो हमारा चौथा रूट हो जाता है वंदे मेट्रो के लिए भोपाल से बैतूल वाला। और भोपाल से बैतूल के बीच में भी हमारी जो वंदे मेट्रो है वो चलने वाली है। बात करेंगे डिस्टेंस की, तो लगभग 198 किलोमीटर का दूरी है भोपाल से बैतूल का। और इस 198 किलोमीटर की दूरी को तय करने में हमारी इस वंदे मेट्रो को लगभग 2.5 से 3 घंटे के जो समय है वो लगने वाले हैं। और भोपाल से बैतूल वाला ये जो रूट है हमारी वंदे मेट्रो के लिए ये यहाँ पर 100% कन्फर्म हो चुका है, ऐसा अपडेट अभी तक मिले हैं। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें पांचवे रूट की, तो इस लिस्ट में हमारा जो पांचवा रूट है ये है सागर से भोपाल वाला। और यहाँ पर भोपाल से बैतूल के अलावा सागर से भोपाल के बीच में भी हमारी जो वंदे मेट्रो ट्रेन है वो चलने वाली है। बात करें डिस्टेंस की, तो लगभग 213 किलोमीटर का दूरी है सागर से भोपाल का। और इसी दूरी को तय करने के लिए हमारी जो वंदे मेट्रो ट्रेन है वो चलने वाली है। और इस 213 किलोमीटर की दूरी को तय करने में हमारी इस वंदे मेट्रो को लगभग 2.5 से 3 घंटे का जो समय है वो लगने वाले हैं। और सागर से भोपाल का जो कनेक्टिविटी है वो इस गाड़ी के माध्यम से और भी ज्यादा बेहतर हो पाएगा। और इस रूट पर भी डेली ट्रेवलर्स काफी ज्यादा हैं और उनके लिए ही स्पेशली इस वंदे मेट्रो को भारतीय रेल लेकर आ रही है। फिलहाल दोस्तों हम बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे लिस्ट में छठे रूट की, तो
इस लिस्ट में हमारा छठा रूट है शाजापुर से भोपाल वाला, यानी कि भोपाल से बैतूल, भोपाल से सागर के अलावा शाजापुर से भोपाल यानी कि भोपाल से शाजापुर के लिए भी हमारी वंदे मेट्रो ट्रेन चलने वाली है। और शाजापुर से भोपाल वाले रूट पर भी जो डेली ट्रेवलर्स हैं उनकी संख्या काफी बड़ी है, काफी अच्छी है। एंड इसी डेली ट्रेवलर की संख्या को देखते हुए शाजापुर से भोपाल के लिए भी इस वंदे मेट्रो को भारतीय रेल उतारेगी, यानी कि भोपाल से यहाँ पर टोटल 3 रूटों के लिए शुरुआती फेज में वंदे मेट्रो ट्रेन चलने वाली है। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं सातवें रूट की। तो इस लिस्ट में हमारा सातवां रूट है वंदे मेट्रो के लिए वाराणसी से प्रयागराज वाला, और यहाँ पर काशी से संगम नगरी प्रयागराज के बीच में भी वंदे मेट्रो ट्रेन चलने वाली है और ये 100% कंफर्म है। बात करेंगे डिस्टेंस की तो 124 किलोमीटर का दूरी है वाराणसी से प्रयागराज का, और ये गाड़ी वाया ज्ञानपुर रोड चलने वाली है। ऐसे में दोस्तों वाराणसी से प्रयागराज की दूरी को यानी कि 124 किलोमीटर की दूरी को इस वंदे मेट्रो के माध्यम से जो इस रूट पर डेली ट्रेवलर्स हैं वो लगभग 1.5 से 1.75 घंटे में कवर करने वाले हैं, यानी कि वाराणसी से प्रयागराज के बीच में इस वंदे मेट्रो के जो फेरे हैं वो दिन में आपको कई दफा के लिए देखने को मिलेंगे, यानी कि कई राउंड ये गाड़ी कर सकती है प्रयागराज से वाराणसी के बीच में। और खासकर 2025 के शुरुआत में ही महाकुंभ भी हो रहा है प्रयागराज में। ऐसे में दोस्तों जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनको भी वाराणसी से आने जाने में इस वंदे मेट्रो के जरिए काफी ज्यादा आसानी होने वाले हैं। वहीं दोस्तों फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं लिस्ट में आठवें रूट की। तो इस लिस्ट में हमारा जो आठवां रूट है वंदे मेट्रो के लिए ये है पुरी से भुवनेश्वर वाला, और पुरी से भुवनेश्वर के बीच में भी हमारी जो वंदे मेट्रो है इसकी शुरुआत भारतीय रेल करने वाली है, और ये रूट भी 100% कंफर्म हो चुका है, ऐसे अपडेट सामने आए हैं। फिलहाल दोस्तों बात करें डिस्टेंस की तो पुरी से भुवनेश्वर का जो टोटल डिस्टेंस है वो यहाँ पर 62 किलोमीटर के आसपास है, जिसको हमारी वंदे मेट्रो ट्रेन 1 घंटे से भी कम समय में कवर करने वाली है, यानी कि दिन में कई फेरों के लिए इस वंदे मेट्रो ट्रेन की जो कनेक्टिविटी है वो आपको देखने को मिल जाएगी पुरी से भुवनेश्वर एंड भुवनेश्वर से पुरी के बीच में। एंड पुरी से भुवनेश्वर वाला ये जो रूट है इस पर वंदे भारत टाइप की जो ट्रेनें हैं लाइक वंदे मेट्रो इसका डिमांड भी काफी ज्यादा हाई है। इवन पुरी से हावड़ा वाली जो वंदे भारत है चेयर कार वाली वो भी यहाँ पर सुपर हिट वंदे भारत ट्रेन साबित हो चुकी है। इसे आप समझ सकते हैं कि पुरी से जो प्रीमियम ट्रेनें हैं लाइक वंदे भारत टाइप की उनकी डिमांड काफी ज्यादा हाई है, काफी ज्यादा है। इसीलिए दोस्तों पुरी से भुवनेश्वर वाले रूट पर वंदे मेट्रो भी चलने वाली है, क्योंकि भारतीय रेलवे को अच्छी तरह से पता है कि पुरी से भुवनेश्वर के बीच में इस वंदे मेट्रो की जरूरत है, गाड़ी सफल होने वाली है। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं लिस्ट में नौवे रूट की। तो हमारी इस लिस्ट में जो नौवा रूट है ये है मुंबई से लोनावला वाला। वैसे तो दोस्तों मुंबई से कई रूट्स के लिए हमारी जो वंदे मेट्रो है इसकी शुरुआत भारतीय रेल करने वाली है। इसमें से एक रूट है लोनावला से मुंबई वाला, और लोनावला से मुंबई वाला रूट ऐसा है कि इस पर भी बड़ी संख्या है डेली ट्रेवलर्स का। ऐसे में दोस्तों मुंबई से लोनावला के बीच में इस वंदे मेट्रो की शुरुआत होने के बाद मुंबई से लोनावला का जो टोटल डिस्टेंस है अराउंड 127 किलोमीटर, उसको हमारी वंदे मेट्रो गाड़ी लगभग 1.5 से 1.75 घंटे में कवर करने वाली है। और मुंबई से लोनावला का जो कनेक्टिविटी है एज ए रेल कनेक्टिविटी उसको काफी हद तक इनहेंस और बेहतर करने जा रही है। और मुंबई से कई रूटों पर हमारी जो वंदे मेट्रो है उसका डिमांड ऑलरेडी बना हुआ है, जिसमें से मुंबई से लोनावला वाला रूट भी शामिल है, और इस पर भी आपको वंदे मेट्रो की जो शुरुआत है वो देखने को मिलेगी। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं लिस्ट में दसवें रूट की। तो इस लिस्ट में हमारा जो दसवां रूट है ये है कानपुर से लखनऊ वाला, और यहाँ पर कानपुर से लखनऊ वाले रूट पर भी हमारी जो वंदे मेट्रो है इसकी शुरुआत होगी और इस पर मुहर लग चुका है, यानी कि ये रूट 100% कंफर्म है, क्योंकि ये रूट ऐसा है कि इस पर डेली ट्रेवलर्स की संख्या काफी बड़ी है। और इसलिए दोस्तों कानपुर से लखनऊ के बीच में भारतीय रेलवे पहले फेज में ही वंदे मेट्रो की जो शुरुआत है वो करने जा रही है, और ऐसे में आपको हो सकता है कि बहुत जल्दी ही ये जो रूट है लखनऊ कानपुर मथुरा और दिल्ली वाला इसके बीच वंदे मेट्रो के जो ट्रायल रन है वो भी आपको देखने को मिल जाए। वहीं अगर हम बात करें कानपुर से लखनऊ वाले रूट की तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि डेली ट्रेवलरों की संख्या काफी बड़ी है, और इसीलिए इस पर चलने वाली हमारी जो वंदे मेट्रो है वो भी सुपर हिट होने वाली है, ऐसा उम्मीद भारतीय रेलवे अभी कर रही है। वहीं दोस्तों फिलहाल हम बढ़े आगे और बात करें लिस्ट में सबसे लास्ट वाले रूट यानी कि 11वें रूट के बारे में। तो दोस्तों हमारा जो 11वां रूट है इसके अंडर चलने वाली हमारी जो वंदे मेट्रो गाड़ियां होगी वो मुंबई और उसके सब अर्बन शहरों को कवर करने वाली है, यानी कि जैसे कि शुरू से ही अपडेट मिले हैं कि मुंबई सब अर्बन के अंदर भी हमारी जो वंदे मेट्रो गाड़ियां हैं वो बड़ी संख्या में चलने वाली है। ऐसे में मुंबई और उसके सब अर्बन शहरों को जोड़ने वाली जो वंदे मेट्रो है वो भी चलने वाली है, और काफी बड़ी संख्या में इनकी जो लॉन्चिंग है वो भारतीय रेल करने वाली है। हालांकि दोस्तों मुंबई लोकल को गाड़ियां रिप्लेस करेगी या फिर नहीं करेगी ये चीजें अभी क्लियर होना बाकी है, लेकिन शुरुआती फेज में ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं होगा। बाकी फ्यूचर प्लानिंग ये हो सकता है कि लोकल ट्रेनों को रिप्लेस करे हमारी वंदे मेट्रो गाड़ियां, लेकिन आने वाले कुछ सालों के अंदर ऐसा आपको देखने को नहीं मिल पाएगा, क्योंकि दोस्तों अभी इंडियन रेलवे के पास उतने ज्यादा रेक्स नहीं होंगे वंदे मेट्रो के कि इन गाड़ियों के माध्यम से चल रही जो पुरानी गाड़ियां हैं लोकल गाड़ियां उनको रिप्लेस किया जा सके। ऐसे में दोस्तों अभी लोकल ट्रेनें भी चलेंगी और उनके साथ साथ हमारी जो वंदे मेट्रो ट्रेनें हैं उनको भी भारतीय रेल चलाने वाली है। तो दोस्तों यही थे टोटल 11 नए रूट।
रूट जिन पर हमारी जो वंदे मेट्रो है वो चलने वाली है। बाकी इसके अलावा जो 14 रूट्स हैं जिनके बारे में पहले ही अपडेट मिला था उनको लेकर जो डेडिकेटेड वीडियो है वो ऑलरेडी मैंने आपसे शेयर कर दिया है। तो अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो उसका भी लिंक मैं दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और फिलहाल दोस्तों ये जो 11 रूट है वंदे मेट्रो के लिए इनको लेकर जो रिपोर्ट है, जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं वो भी सामने आए हैं जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं। बाकी दोस्तों ये जो टोटल 11 रूट है जिनके बारे में मैंने आप सभी को बताया इन पर वंदे मेट्रो को चलाना चाहिए या फिर नहीं, ये मैं आपसे भी जरूर जानना चाहूंगा कमेंट सेक्शन में। बाकी दोस्तों आने वाले 1 से 2 महीने के भीतर हमारी जो वंदे मेट्रो गाड़ियां हैं उनका ट्रायल देश के कई रूट्स पर शुरू करने वाली है भारतीय रेलवे। बाकी इनको लेकर आगे कोई भी नया अपडेट मिलता है तो आपको मैं फिर से अपडेट करने की कोशिश करूंगा। और फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिए। और फिलहाल इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।